हेलो फ्रेंड्स। तो देखो पेटीएम में अभी देखो बहुत कुछ उठा पटक हो रही है, और अभी जो सबसे बड़ी जो मुझे पता चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो हम 100 पे 50 UPI ऑफ़र कर रहे थे, जो भी हम 1-1 रुपए की या 10-10 रुपए की जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे, मतलब 100 ट्रांजेक्शन करते थे तो तब जाके हमें 50 कैशबैक मिलता था, इसकी ना ये ख़त्म कर दिया उसने 3 जुलाई को। इसकी अगर टर्म एंड कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखो आके ये लास्ट का पॉइंट पढ़ोगे आप, ये वाला लास्ट का पॉइंट कि दिस ऑफ़र वैलिड टिल 12 PM ऑन 3rd July 2018, मतलब ये 3 जुलाई तक ऑफ़र था। नो न्यू पार्टिसिपेंट विल बी अलाउड पोस्ट दैट, यानी इसके बाद क्या होगा, अगर इसके बाद मतलब फिर से ये ऑफ़र अनलॉक नहीं होगा। जिन बंदों ने अनलॉक कर रखा है, कल अगर उनका अनलॉक हुआ है तो वो आज इसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आज अगर उनका 100 कंप्लीट हो जाता है तो फिर से ये दोबारा इस ऑफ़र में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ऑफ़र की लास्ट डेट उन्होंने 3rd जुलाई रखी हुई है। अभी जैसे कि देखो मेरा ऑफ़र अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको कल अनलॉक किया था, तो अभी इसमें दिखा रहा है कि 91 UPI पेमेंट्स डन, 9 मोर टू गेट 50। जैसे मैं 9 ट्रांजेक्शन और कर दूंगा तो उसके बाद फिर से मैं इस ऑफ़र को अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑफ़र केवल कल ही तक था। अब आगे और पेटीएम क्या क्या करेगा ये तो पेटीएम के ऊपर है। तो ये तो रहा 100 पे 50 UPI वाला, और देखो जो हम 10 पे 100 कर रहे थे 30 टाइम्स है ना, उसको भी उसने अपडेट कर दिया है। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 10 पे 100 वाले को उसने कुछ फिर चेंजेज कराए। ये देखो 10 पे 100 जो हम 10,000 के ट्रांजेक्शन कर रहे थे ना, उसमें अब उसने लिख दिया कि अर्न अप टू 1,000, पहले था अर्न अप टू 3,000, यानी कि हम उसको 30 टाइम्स कर सकते थे, अब उसने क्या कर दिया है कि आप उसे केवल आप 10 टाइम्स कर सकते हो। और ये चेंजेस उसने अभी करे हैं, ये देखो इसमें लिख दिया है कि 100 कैशबैक तो मिलेगा आपको अगर आप 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करोगे, लेकिन कितना मिलेगा उसके लिए वो बोल रहा है कि 10 टाइम्स मिलेगा, यहाँ लिखा ये रहा 10 टाइम्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस ऑफर 10 टाइम्स इन ए टोटल ऑफ। और इसने अभी इसकी लास्ट डेट तो कहीं इसने देखो मेंशन करी नहीं है अभी, तो जैसे ही आप इसको अनलॉक करोगे ऑफ़र को। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि इसका जो हमने लास्ट वीक जो 10 पे 10,000 की जो ट्रांजेक्शन करी है उसका कैशबैक अभी तक नहीं आया है। पेटीएम में जब मेरी परसों बात हुई थी कस्टमर केयर में, तब उन्होंने कहा था कि हम अगले 1 या 2 दिन में दे देंगे, और आज क्या हुआ, आज मैंने 3 या 4 बार कॉल ट्राई किया है, 3 और 4 बार जैसे ही हम IVR में जाते हैं और वहाँ के बाद कॉल जैसे वेटिंग पर जाती है तो अपने आप 1 मिनट के बाद अपने आप कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। मैंने 3 या 4 बार ट्राई किया है, आप भी फ्रेंड्स ट्राई कर सकते हैं, अगर किसी की कॉल कनेक्ट होती है तो आप उनसे फिर से पूछ सकते हैं। तो देखो अभी उन्होंने कैशबैक नहीं दिया है, जब तक वो कैशबैक न दें आप में से कोई भी 10,000 की तब तक ट्रांजेक्शन मत करें, ठीक है, क्योंकि हमारा पिछला काफ़ी बाकी है, कुछ फेल ट्रांजेक्शन भी हैं कुछ सक्सेसफुल भी हैं, मे भी हो सकता है वो फेल ट्रांजेक्शन का ना दें, ये सारा डिपेंड पेटीएम पर करता है। लेकिन जिन्होंने सक्सेस ट्रांजेक्शन करी है उनका भी नहीं आया। देखो आज मैंने सुबह एक टिकट रेज करी थी, मैं आपको अपनी टिकट रेज दिखाता हूँ कि जो, लेकिन जो मैंने टिकट रेज करी थी ना वो मैंने अपनी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की करी, मतलब रियल ट्रांजेक्शन करी थी, तो मैंने अपनी टिकट उसी की करी थी जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करी थी मैंने रियल मनी वाली, ये देखिए 4-7 ये थी, देखो ये टिकट मैंने रेज करी थी। मैंने उनको बोला था कि मैंने 100 कैशबैक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, जब 10 पे 100 UPI ऑफ़र के लिए मैं एलिजिबल था, और मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी लगा के उनको भेजा, क्योंकि स्क्रीनशॉट में मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज था कि आपको विद इन 24 आवर्स मतलब कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने इसका कैशबैक नहीं दिया। तो आज मैंने ये टिकट रेज करी वहाँ पे जाके और उनको बोला है कि ये सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है। तो फ्रेंड्स देखो आप टिकट रेज कर सकते हो, लेकिन आप उसकी करना जो आपने सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करी हो, मतलब आपने रियल मनी वाली करी हो, फेल्ड वाली ट्रांजेक्शन का आप टिकट रेज नहीं कर सकते, ना आप उसका रेफरेंस दे सकते हो उनको। अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करके पूछते हुए हो ना, तो जिनकी भी फेल ट्रांजेक्शन है आप उसका रेफरेंस दे के नहीं पूछ सकते, जिन्होंने सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करी है आप उसका रेफरेंस दे के पूछ सकते हो। तो अभी देखो पेटीएम के ऊपर डिपेंड है वो कब तक देगा, उन्होंने साफ साफ मना भी नहीं किया है कि हम कैशबैक नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में बहुत इश्यू चल रहा है, और आप देख रहे हो कि वो ऑफर पर ऑफर कितना चेंजेज करता जा रहा है, अभी 10 पे 10,000 वाला फिर उसने चेंज कर दिया। देखो फ्रेंड्स मैंने ये स्क्रीनशॉट अपनी टिकट में रेज किया था, क्योंकि जब मैंने ट्रांजेक्शन करी थी रियल मनी वाली तो मेरे पास मैसेज आया था कि अभी 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई हैं और जो कैशबैक है वो 24 आवर्स में आ जाएगा, और ये डेट थी 30 जून को आया था। तो लेकिन 24 आवर्स देखो कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए लेकिन कैशबैक नहीं आया है, इसका मतलब पेटीएम की तरफ से गड़बड़ बहुत चल रही है और बहुत ज़्यादा ड्रामे भी हो रहे हैं।
और इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी, वो कह रहे थे कि कस्टमर केयर में उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो ज़रा उसका प्रोसीजर बता दें। तो देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो, वो आगे आप देख सकते हैं कि पासकोड के थ्रू जैसे आप IVR में जाओगे वहाँ पे फर्स्ट वन प्रेस करोगे, फिर वो मेन मेनू आएगा तो उसमें आपको 6 प्रेस करना है पेटीएम UPI के लिए। उसके बाद फिर वो कहेगा कि आप वन प्रेस करने के बाद फिर वो पासकोड मांगेगा, तो आपको 4 डिजिट का पासकोड डालना है। 4 डिजिट का पासकोड डालने के बाद आपकी कॉल कस्टमर केयर में कनेक्ट हो जाती है। और देखो जिन फ्रेंड्स के पास पासकोड नहीं है वो पूछेंगे, देखो UPI पिन अलग होता है और पासकोड अलग होता है, अगर जिन फ्रेंड्स के पास भी पासकोड नहीं है ना तो वो अपना पासकोड रिसेट कर सकते हैं। रिसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अपनी प्रोफाइल में जाएं और प्रोफाइल में जाके वहाँ पे अपना पासकोड रिसेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करना है। आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में जाना है, ठीक है, यहाँ प्रोफाइल है ये आपकी प्रोफाइल एंड सेटिंग, ठीक है, इसमें जाओगे आप तो यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आएगा पासकोड वाला ऑप्शन, ये रहा चेंज पासकोड। अगर आपको अपना पासकोड नहीं पता है ना तो आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे चेंज पासकोड करोगे तो वो आपका पेटीएम का लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो ये 4 डिजिट का होता है, मोस्टली का है भी, जिन यूजर का नहीं है तो वो यहाँ पे आके रिसेट कर सकते हैं, क्योंकि पासकोड डालोगे तभी आपकी कॉल कस्टमर केयर में कनेक्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं आपको रिकॉर्ड इसमें सेव कर देता हूँ, जो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं उससे आपको हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ओके, थैंक यू। हिंदी के लिए 2 दबाए, तेलुगु कोसम 3 नौकरी। प्रिया मर्चेंट ग्राहक संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाए, व्यापार से संबंधित समस्या के लिए 2 दबाए, पासवर्ड और पिन से संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाए, KYC से जुड़े सवाल और परेशानी के लिए। प्रिय ग्राहक, जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं उस नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए 1 दबाएं, या अगर आपको किसी और पेटीएम रजिस्टर्ड अकाउंट या नंबर की जानकारी चाहिए तो 2 दबाएं। कस्टमर केयर एजेंट से बात करने के लिए UPI रेफरेंस ID या पासकोड दर्ज करना होगा। UPI रेफरेंस ID के लिए 1 दबाएं, पासकोड के लिए 2 दबाएं। कृपया इस बीप के बाद अपना 4 डिजिट का पासकोड दर्ज करें। हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एजेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें, एजेंट आपको सिर्फ उसी मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी